नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंसल। इंदौर क्राइम ब्रांच और लसूरिया पुलिस ने मिलकर क्षेत्र में चल रहे फर्जी कॉल सेंटर पर छापामार कार्रवाई करते हुए 21 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया है। ये लोग यहां से फर्जी कॉल करके लोगों को झांसे में लेकर ठगी को अंजाम दे रहे थे। इन लोगों के तार विदेशों तक के जुड़े हुए हैं, जिन्होंने विदेशों में भी ठगी को अंजाम दिया है। क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि लसूरिया क्षेत्र में लंबे समय से एक कॉल सेंटर चल रहा है, लेकिन वहां क्या हो रहा है किसी को नहीं पता। इसके बाद क्राइम ब्रांच ने लसूरिया पुलिस के साथ मिलकर वहां पर छापामार कार्रवाई की। पुलिस ने छापामार कार्रवाई के दौरान 21 से अधिक लोगों को पहले तो हिरासत में लिया, उसके बाद जांच शुरू की। जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जिसमें ये कॉल सेंटर यहां बैठकर विदेशों में लोगों को अपने झांसे में लेते थे और उनका बैंक अकाउंट खाली कर देते थे। इन आरोपियों ने ऐसा सिस्टम तैयार कर रखा था कि ये जहां कॉल कर रहे हैं वहीं का लोकल नंबर डिस्प्ले होता था। ये आरोपी अब तक करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी कर चुके हैं। पुलिस के मुताबिक ये कॉल सेंटर पिछले एक वर्षों से चल रहा था। फिलहाल पुलिस इस कॉल सेंटर के मास्टरमाइंड की तलाश कर रही है। वहीं मास्टरमाइंड गुजरात का होना बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक अब तक 21 से अधिक कर्मचारियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। यहां काम करने वाले कर्मचारियों को पहले ट्रेनिंग दी जाती थी कि किस प्रकार से लोगों से ठगी करना है, उसके बाद ही इन्हें काम दिया जाता था। इन्हें रोजाना 1000 नंबर की लिस्ट दी जाती थी, जिस पर कॉल कर इन्हें ठगी करना होता था। फिलहाल कुछ आरोपी अब भी फरार है, जिनकी तलाश पुलिस अब सरगर्मी से कर रही है। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक जगह पर मुख्तार कुछ फ्लैट्स में संदिग्ध लोगों की वहां से आवाजाही है, बड़ी संख्या में लोग आ जा रहे हैं, जिस पर आसपास के लोगों ने इसकी सूचना दी। जब पुलिस ने पूरी सूचना जुटाकर उस पे बिल्कुल अल सुबह उस पे जब कार्रवाई की, तो पुलिस के हत्थे एक बड़ा ही महत्वपूर्ण गिरोह, एक महत्वपूर्ण गैंग हाथ लगा, जो कि लगभग 1-1.5 वर्ष से इस तरह की गतिविधियों को मुख्य तौर पे ठगी के, साइबर ठगी के गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। हम जानते हैं कि पिछले दिनों में तकनीक का प्रयोग बढ़ा है, साइबर का प्रयोग बढ़ा है, और इसके प्रयोग के साथ ही इसके दुरुपयोग की भी संभावना बढ़ी है और दुरुपयोग की घटनाएं भी बढ़ी हैं। पिछले दिनों लगभग 3-4 महीनों की हम बात करें तो लॉकडाउन के दौरान इंदौर पुलिस ने 50 से ज़्यादा अलग अलग एडवाइजरी भी जारी की थी, ताकि हम इन मामलों में सावधान रह सकें और सावधान रह करके इन खतरों का शिकार होने से बच सकें। इस घटना में जो महत्वपूर्ण जानकारियां पुलिस के हाथ लगी, उसमें पाया गया कि एक ऐसा गैंग है जिसमें यहाँ पर 20 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, और जब अचानक इसमें कार्रवाई की गई तो 21 लोगों को पुलिस ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया, जिसमें हर व्यक्ति के पास अपना एक अलग कंप्यूटर था, एक पूरा सिस्टम था, और इनका शिकार दूसरे देशों में रहे हुए वो लोग थे जो साइबर तकनीक का उपयोग करते थे, जो मुख्य तौर पर हम जानते हैं कि आजकल की डिजिटल दुनिया में, डिजिटल होती जा रही दुनिया में, चाहे हम पैसों से खर्च करने के साथ साथ हर तरह के भुगतान के लिए डिजिटल माध्यमों पर निर्भर होते जा रहे हैं। ऐसे में यह जो गिरोह था, मुख्य तौर पर इसमें अमेरिका के कई लोग इसका शिकार हुए हैं। ये गिरोह मुख्य तौर पर डाटाबेस के माध्यम से, कंप्यूटर से कुछ खास इलाकों के लोगों का पूरा डाटाबेस तैयार करता था, और उस डाटाबेस के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन लगभग 1000 नंबर दिए जाते थे, जितने गिरोह के मेंबर्स थे। उन 1000 नंबर्स को उनको दिन भर लगातार ट्राई करना था, उन लोगों को झांसे में लेकर के इस बात का कहीं ना कहीं से भय पैदा करना था कि उनके द्वारा किसी तरह की धोखाधड़ी की गई है। मसलन कोई पुलिस अधिकारी बनकर फ़ोन करता था कि उनके किसी गाड़ी में किसी तरह का कोई ड्रग्स पाया गया है, कोई सोशल डिपार्टमेंट अधिकारी बनकर फ़ोन करता था कि उनका नंबर या कुछ विशेष तरह की जो सुविधाएं हैं उनकी अवधि समाप्त होने वाली है, कोई उनके द्वारा कोई और बैंक फ्रॉड करने की भी कुछ ऐसी घटनाएँ जिसमें कि लोगों को बताया गया कि आपके इस नंबर के द्वारा बैंक फ्रॉड किया गया है, और इसके माध्यम से व्यक्ति में एक भय पैदा किया जाता था। समान तौर पर कई बार लोग फ़ोन नहीं उठाते थे, ऐसी परिस्थिति में वॉइस मेल बॉक्स का सहारा लिया जाता था, यानी कि वॉइस मेल बॉक्स के माध्यम से एक मैसेज छोड़ दिया जाता था और कॉल स्पूफिंग के माध्यम से, पूरी तरह से कॉल स्पूफिंग के माध्यम से वहाँ का लोकल नंबर उस पर डिस्प्ले किया जाता था।
ऐसी तकनीक का दुरुपयोग करते हुए व्यक्ति को इस बात का कहीं ना कहीं एक ऐसा विश्वास होता है कि शायद ये जो कॉल आ रही है उसके शहर के ही किसी बगल के किसी सरकारी संस्थान का कॉल है, जो कि शायद उसके द्वारा गलती से या हो सकता है किसी और कारण से उसका नंबर आ गया है, और इस बारे में वो व्यक्ति फिर पलट करके वॉइस मेल बॉक्स से उस नंबर पे कॉल खुद लगाता था। वो अपना पक्ष रखने के लिए फ़ोन लगाता था, जिसके बाद से ये जो पूरा अपराधी गिरोह है वो दूसरे शहर का है, वो गुजरात के एक शहर का है, और बाकी भी जो हैं उसके साथी हैं। उसको उसने ट्रेनिंग करके फिर धीरे धीरे इस गैंग को बढ़ाया, जो लगभग टोटल कुल 23-24 लोग हैं इस पूरे गैंग में। ऊपर के एक आध लोग जो दूसरे शहरों में रहते हैं, यहाँ रहने वाले टाइमिंग पुलिस की कार्रवाई की बहुत अच्छी थी, जिसके कारण लगभग 21 लोग रंगे हाथ पकड़ाए, जबकि वो किसी न किसी इस तरह की आपराधिक घटना में, कोई कॉल करने में, उस कॉल के किसी एनालिसिस में या इस तरह की आपराधिक गतिविधियों में सम्मिलित थे। मुख्य तौर पर इनके कॉल का जो निशाना होता था, वहाँ पर जो सोशल सिक्योरिटी नंबर्स होते हैं या लोगों के बैंक जो डिटेल्स होते हैं उस पर हमला करते थे, उसके बारे में जानकारी लेते थे, लोगों को इस बात का भरोसा दिलाते थे कि वो उनके शहर से ही बोल रहे हैं, और उनके द्वारा की गई किसी गलती का ज़्यादा बड़ी रूप लेने से पहले ही उसका समाधान करना चाहते हैं। और कई बार लोग जो कि ज़्यादा बड़ी उम्र के होते थे या कई बार असुरक्षित होकर के, भयभीत होकर के, वो अपनी कुछ निजी जानकारियाँ शेयर कर देते थे, जिसमें सोशल सिक्योरिटी नंबर के साथ साथ अपने बैंक्स के डिटेल्स भी थे, और जिसके आधार पर गैंग तत्काल उनके खातों से पैसे निकाल के चंपत हो जाता था, फिर बाकी चीज़ें उसमें डिस्कनेक्ट कर दी जाती थी। क्योंकि भौगोलिक दूरी के कारण या जो भी उनकी सीमाएं हो, उसके बाद इसमें कंप्लेन कोई कभी नहीं आई, यहाँ पे किसी तरह की पुलिस को कोई सूचना नहीं आई। हम वहाँ की पुलिस से भी संपर्क करेंगे, वहाँ की जो एक प्रॉपर चैनल से वहाँ की जो पुलिस है उनको सूचना दी जाएगी कि इस तरह की घटनाएँ हुई हैं, उन लोगों की लिस्ट निकालेंगे जिनके साथ इस तरह का हादसा हुआ है, और उनकी मदद की जाएगी। इसमें कंप्लेंट चूँकि पुलिस ए पकड़ी है, इसमें बहुत सारे जो साक्ष्य मिले हैं, इसमें तकनीकी साक्ष्य मिले हैं, इसमें मुख्य तौर पे सारे जो आपके सामने जो दिख रहे हैं सर्वर, उसमें जानकारी लगातार इसके अगर हम कहें तो इसी की जानकारी से लगभग 7-8 दिनों से क्राइम ब्रांच इसमें लगातार इस पूरी जानकारी को डेवलप कर रहा था, और इसमें ये लगा कि एक बहुत बड़ा गैंग है जो अंतर्राष्ट्रीय इस तरह की ठगी का प्लान करता है और इस तरह का अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का हिस्सा है। तो इसमें इनके द्वारा लोगों को सबसे पहले ये भरोसा दिलाया जाता था कि वो उसी शहर के हैं और उनकी आइडेंटिटी सही है। दूसरा इनका पक्ष होता था कि ये लोगों को इस बात का भय दिलाते थे कि उस व्यक्ति के द्वारा कोई घटना कर दी गई है, और अगर अभी उसने ठीक ढंग से जानकारी दे दी तो शायद उसको जो मिलने वाली सज़ा है वो कम हो जाएगी, और फिर तीसरा रूप जानकारी लेकर के तत्काल वो ठगी करके वहाँ से फिर गायब हो जाते थे। ट्रांजेक्शन दो तरीक़ों से करते थे। पहला इनका तरीका होता था, ये व्यक्ति के कई बार जैसे कि यहाँ पर ठगी होती हैं जिसमें व्यक्ति के हम बैंक डिटेल्स, कार्ड डिटेल्स ले लेते हैं, कई बार लोग उस जानकारी को देने के लिए तैयार नहीं होते थे। कई बार लोग जो कि ज़्यादा डिजिटल तकनीक का उपयोग कर रहे हैं वो बोलते थे कि हम ये जानकारी नहीं शेयर कर सकते, तब वो उनसे बोलते थे कि कुछ गिफ्ट वाउचर, कुछ खास कंपनियां हैं उनके जो वाउचर्स होते थे, इनका कहना है कि आप उस वाउचर को खरीदें और उसका स्क्रैच कार्ड नंबर दे दें तो उससे भी भुगतान आपका हो सकता है। तो ये इसको लोग प्रीफर करते थे क्योंकि ऐसे वर्चुअल कार्ड्स होते हैं, हम भी ऐसे वर्चुअल कार्ड्स अपने पेमेंट्स के लिए बना सकते हैं जिसका उपयोग करके तत्काल में हम पेमेंट कर दें और उसमें हमारा नंबर भी डिस्प्ले नहीं होगा। तो कई बार जो लोग ज़्यादा सुरक्षा रखते थे वो लोग गिफ्ट या वाउचर कार्ड के माध्यम से भुगतान करते थे, लेकिन अंततः इन्होंने काफ़ी बड़ी संख्या में प्रतिदिन हर व्यक्ति को टारगेट दिया जाता था कि कम से कम 8-10 लोगों को इसमें किसी तरीके से निशाना बनाना है, और काफ़ी ये बात का भी ध्यान रखा गया था कि अगर कोई व्यक्ति टारगेट करता है तो जो उसको पूरी तरीके से ये पूरा आपराधिक कृत्य करता था, जो इस तरह के इस गैंग जो शिकार बनाता था, जो व्यक्ति बनाता था, उसको लगभग 10% के हिस्सा उसको तत्काल ये गैंग उसके खाते में डाल देता था। सर, इतने सारे कॉल करते थे, उसे बातों में लेता था। इनके जितने भी इस तरह के एम्प्लॉज थे, जितने भी इस तरह के इस गिरोह के सदस्य थे, उन्हें 2 महीने की एक ट्रेनिंग दी जाती थी, जिस ट्रेनिंग ने 2 चीज़ें बड़े महत्वपूर्ण ढंग से इन्हें सिखाई जाती थी। पहली चीज़ कि इनका जो एक्सेंट हो वो बिल्कुल अमेरिकन एक्सेंट हो, ताकि सामने वाले को पता ना लग सके कि किसी दूसरे शहर से या किसी दूसरे जगह से कॉल आ रहा है। समान तौर पे उसे विश्वास हो जाता था कि उसके किसी शहर के बगल के ही किसी बिल्डिंग से कॉल आ रही है। दूसरा, उसको बहुत सारे सैकड़ों FAQ जो होते हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस,
जो संभावित प्रश्न हो सकते हैं उस तरह के प्रश्नों को इन्हें रटा दिया जाता था कि अगर व्यक्ति इस तरह की परिस्थितियाँ अगर आती है तो क्या प्रश्न पूछेगा, आपको क्या जवाब देना है। और इसमें इस गिरोह में भर्ती से पहले बाकायदा एक टीम उनका इंटरव्यू लेती थी और इस तरह के बहुत सारे संभावित प्रश्न करती थी और उनका सही जवाब देने के बाद ही फिर उनको इस तरह के अलग एक सिस्टम पर बिठाया जाता था। तो यह गैंग महीने में लगभग 1.5 करोड़ रुपए के आसपास प्रति माह कमाता था, प्रति माह लोगों से ठगी करता था और साथ ही साथ इसके जो भी कर्मचारी थे उन्हें ऊंची भुगतान भी करता था। इसमें कई पढ़े लिखे लड़के और कई ऐसे हैं जो अच्छी शिक्षा प्राप्त करके इस तरह के आपराधिक गिरोह के सदस्य बने हैं। पुलिस ने सभी को लगभग 21 लोगों को गिरफ्तार किया है, इन पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है और साथ ही साथ इनसे जुड़े कुछ लोगों की और जानकारियां मिली हैं जो कि यहाँ नहीं रहते थे, इस नेटवर्क को संचालित करते थे, उनको उनकी जानकारी भी निकाल करके उनकी भी इसमें गिरफ्तारी की जा रही है। इसमें कुछ लोगों पर 10-10 हज़ार रुपये का इनाम भी घोषित किया गया है। इसमें मुख्य तौर पर पूरी जो कार्रवाई थी इसमें सूचना जो थी इसमें क्राइम ब्रांच की टीम और लफुड़िया पुलिस की टीम, इसमें लफुड़िया थाने की इसमें कार्रवाई द्वारा की गई है। इसमें सभी लोगों को जो हमारी टीम है उनको 20 हज़ार रुपए के पुरस्कार से इसमें पुरस्कृत किया जा रहा है। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।